वीरवार को बिलासपुर जिला मुख्यालय पर सिडू की जिला इकाई ने केंद्र सरकार द्वारा मजदूर वर्ग के हितों की लगातार अनदेखी करने के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। साथ ही सिडू के जिला अध्यक्ष विजय शर्मा की अगुवाई में उपायुक्त आबिद हुसैन सादे के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संयोजक सीआईटीयू बिलासपुर और पूर्व जिला परिषद मेंबर और हमारे साथ में जो है वर्तमान में जिला परिषद मेंबर प्रोमिला बसु जी हैं, कुलवंत पाठक जी, प्रिंसिपल साहब और भी सारे तमाम जो हमारे जिला कमेटी के साथी। आज हिमाचल प्रदेश की राज्य कमेटी जो हमारी सीटू की है उसने तय किया था कि मोदी सरकार के खिलाफ जो चार लेबर कोड सरकार ने नई तीसरी बार शपथ लेने के बाद डिक्लेयर कर दी तो इसको हम सख्ती से लागू करेंगे। उसके विरोध में हिमाचल प्रदेश 18 जुलाई को पूरे प्रदेश में जिला हेडक्वार्टरों के ऊपर, एसडीएम कार्यालयों के ऊपर, आंगनबाड़ी, मिड डे मील वर्कर, आशा वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर और ये जो इंडस्ट्री के वर्कर है सारे लोग इकट्ठे होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार को केंद्र सरकार के खिलाफ, क्योंकि ये जो चार लेबर कोड सरकार लागू करी है पिछले टेन्योर में सरकार ने इसको पास किया था और अभी इन्होंने डिक्लेयर कर दी कि इसको सख्ती से लागू करेंगे, जो कि पूरी तरह से मजदूर विरोधी है। और कॉरपोरेट घराने हिंदुस्तान में अदानी अंबानी और इसके साथ जो छोटे और पूंजीपतियों की फेवर में है, इसमें मोटे तौर पे ये बात है कि 300 के कम वर्करों का वहाँ पे यूनियन नहीं बनेगी। अगर वर्कर कहीं मजबूरी बस हड़ताल करता है तो उनके ऊपर FIR दर्ज हो और उनका जो पैसा जो उनकी वजह से हड़ताल की वजह से नुकसान होगा उसकी भरपाई मजदूरों से की जाएगी, जो कि हिंदुस्तान के जो जनतांत्रिक देश है उसमें होते हुए सारी चीज़ें गलत है। हमारा ये मानना है सीटू का और भी ट्रेड यूनियन जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन 11 ट्रेड यूनियन है उनकी ये मांग रही है शुरू से कि ये श्रम कोड जो लेबर कोड है चारों ये बिल्कुल खतरनाक है, इनको बंद वापस दिया जाए। और जो पुराने 44 कानून उस 44 कानून क्या थे उसमें अंग्रेजों के टाइम से लेकर के और जो पिछली सरकार तक वो लागू थे अभी भी लागू है, मगर सरकार आनाकानी के लिए इसके ऊपर कारपेट उठाने का बड़ा दबाव है। और 44 कानून ऐसे हैं कि उसमें हड़ताल का अधिकार है जहाँ 7 लोग मजदूर काम कर सकते हैं वहाँ पर यूनियन बढ़ सकती थी और भी कई चीज़ें इसमें थी। PF का कानून था, इसमें वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट का कानून था, अगर कहीं काम करते मजदूर की मौत हो जाती है तो उसमें मजदूर को कुछ राहत मिल जाती थी और PF में जो अगर डेथ होती थी तो उसमें उस बच्चों को, उस घरवाले को पेंशन मिल जाती थी, मगर आने वाले दिनों में चार लेबर कोड करने के बाद ये सारा कुछ नहीं मिलेगा। इसमें हम पूरे देश में विरोध कर रहे हैं और डट के करें। हिमाचल प्रदेश में शिमला, मंडी, सोलन, सिरमौर और भी कई जो बड़े बड़े हमारे ट्रेड यूनियन के सेंटर हैं वहाँ पे आज विरोध करें। आज हमने DC साहब को, प्रधानमंत्री को एड्रेस करते हुए जो ज्ञापन दिया है और DC साहब ने हमारे से प्राप्त किया तो वो भेजेंगे, तो इसमें हमारी जिले की मांगें भी और हैं। जिले में ये जो एक कंपनी के जो रेलवे की कंपनी में वर्कर काम करने के सेंटर के कानून लागू होते हैं, जो हिमाचल के और कंपनी में काम करते हैं उसमें हिमाचल राज्य के कानून लागू करते हैं लेबर डिपार्टमेंट के, तो उसमें हम चाहते हैं कि इसको लागू किया जाए सख्ती से। धन्यवाद। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट।